राजनांदगांव जिला का एक मेटा तोड़ के गांव जो ब्लॉक मुख्यालय मानपुर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां के अधिकतर लोग कृषि पर आश्रित हैं। यह गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। आज भी यह गांव सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा सहित बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। शिक्षा, बिजली, पेयजल व सड़क की समस्या प्रमुख है। हर साल बाढ़ से जूझते हुए यहाँ के किसानों की कमर टूट गई है। पिछले वर्ष से ही बारिश नहीं होने के कारण किसान घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव जिले के मेटा तोड़ के गांव की, जो चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ है। गांव में आने जाने की सुविधा तो दूर, आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं। सरकार चाहती तो निजी मकान में भी आंगनबाड़ी स्कूल संचालित कर सकती है। गाँव में बिजली तक नहीं है। इसके साथ साथ गाँव में कोई बीमार हो तो 108 सुविधा नहीं मिलेगी। डिलीवरी केस हो तो 102 की सुविधा नहीं मिलेगी। पढ़ाई करने को स्कूल नहीं, यहाँ तक कि शिक्षा का पहला कदम आंगनबाड़ी केंद्र होता है, वह भी नहीं है। साथ ही शादी ब्याह में लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं होने से रोजमर्रा की जिंदगी जीने में ग्रामीणों को तकलीफ होती है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव का समय आते ही जनप्रतिनिधियों का आना जाना होता है, बाद में किसी भी पार्टी को किसानों का यह दर्द याद ही नहीं आता। उन्हें याद है तो बस सिर्फ अपनी पार्टी के नारे और झंडे। चुनावी बिगुल बजते ही हर पार्टी के नेता गांव में आकर तरह तरह के प्रलोभन तथा विकास के गंगा बहाने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद वही नेता फिर दोबारा उस गांव में आते ही नहीं। सरकार भले ही नल जल योजना में करोड़ों रुपया बहा दिया होगा, लेकिन वहां कोई अधिकार कर्मचारी जाकर तो देखे कि वहां की हालत क्या बयां करती है। गांव का समुचित विकास नहीं होने से लोगों में प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश है। अधिकारी जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाने के बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। लोगों का कहना है कि पूर्व में प्रशासनिक स्तर पर सड़क से लेकर तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों के द्वारा आवेदन दिया गया था, लेकिन उसे प्रशासन के द्वारा आज तक ठीक नहीं किया गया है। भीषण गर्मी में लोगों को स्वच्छ जल के लिए काफी परेशानी से जूझना पड़ता है। गाँव वासियों का कहना है कि बिजली के लिए गांव के लोगों ने प्रयास किया, बावजूद इसके अब तक बिजली हमारे गांव में नसीब हुई ही नहीं। सोचने वाली बात तो यह है कि शासन प्रशासन ने आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी गांव मेटा तोड़के के लोगों को क्या दिया और क्या नहीं दिया। लोगों को कि आज गांव गांव जाकर के हमारी टीवी वन इंडिया न्यूज लोगों की समस्याओं को सरकार तक और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के काम कर रही है। और हम देख रहे हैं आज यहाँ पे जिस ग्राम में आए हैं, यहाँ राजनांदगांव जिला में आता है, विकासखंड मानपुर है, ग्राम पंचायत पेंदोड़ी और ग्राम है मेटा तोड़के और इसे दौड़ के नाम से भी जानते हैं। मैं बताऊंगा कि इनके भविष्य को देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भविष्य को देखो कि अभी यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, ना ही ये लोग स्कूल जा पा रहे हैं, तो आगे चल करके इनके भविष्य क्या होगी। और मेन चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ जिस तरीके से हम लोग अभी आए हैं मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल आने लायक रास्ता भी सही ढंग से नहीं है, यानी कि चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ हुआ है। और आज 73वां वर्ष आज़ादी के 73वां वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ लोग सुविधा से वंचित हैं। ना यहाँ बिजली है, नल है तीन ठो लेकिन ख़राब है, तीन नग नल है लेकिन ख़राब है। इसी प्रकार से यहाँ शासन की बहुत सी ऐसी योजनाएँ हैं जो इन छोटे छोटे बच्चों से लेकर इन ग्रामीणों को भी नहीं मिल पा रहा है। मैं और कहूँगा कि शासन प्रशासन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की योजना को पहुंचाने की कोशिश तो जरूर कर रही है, लेकिन यहाँ देखने को कुछ और ही मिल रही है। क्योंकि आप जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, आज यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, पढ़ने कहाँ जाएंगे और इनका भविष्य कहाँ सुधरेगा। इस तरीके से यहाँ पे और ये कांकेर जिला और राजनांदगांव जिला और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, जो कि अंतिम छोर गाँव है, नोरगढ़ा तोड़के ये गाँवें हैं जो एक बस्ती से मिली हुई है। और ये छः पारा हैं, छः पारा में कहीं छः घर है, कहीं 10 घर है, ऐसे कर करके बहुत से यहाँ पे है। मैं यही बताना चाहूँगा कि यहाँ लोग किस तरीके से जीवन यापन करते होंगे और इन लोगों को शासन प्रशासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं TV1 इंडिया न्यूज से आरिफ बोलू। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।